साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यमान पे। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है सीधे सचिवालय से साक्षरता परीक्षा को लेकर, साथ ही विशेष शिक्षक को लेकर, साथ ही जो HM है उनकी पोस्टिंग को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर, या फिर हम कई सर्टिफिकेट जाँच को लेकर कई सारी अपडेट सीधे सचिवालय से मिल रही है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप वीडियो क्लास तक देखेंगे और ग्रुप में शेयर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि सचिवालय से सक्षमता अपडेट निकल के आ रही है, वो ये है कि जो शिक्षक तीनों चरणों में सक्षमता फॉर्म नहीं भरेंगे उनके सर्टिफिकेट का विशेष जांच होगा। जी हाँ दोस्तों, उनके सर्टिफिकेट का विशेष जांच होगा। विभाग को आशंका है कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले फॉर्म नहीं भर रहे हैं, यानी कि विभाग को पूरा शक है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इसलिए उनके सर्टिफिकेट की पूरी जाँच होगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी सक्षमता द्वितीय जो फॉर्म आए उसका फॉर्म भरें, वरना आप भी फर्जी शिक्षक की शक के दायरे में आ सकते हैं। लिहाजा आप बेशक से ना हो और आप हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी विभाग आप पे इस तरीके से देख सकते हैं कि आप फर्जी हैं। इसलिए आप इस बात पर विशेष गौर करें कि आप सक्षमता सेकेंड जो द्वितीय चरण आ रहा है उसका फॉर्म भरें, क्योंकि सरकार को ये बात अंदाज़ा लग चुका है कि अधिकांश फर्जी शिक्षक इस परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, जिसके कारण वो इस एग्ज़ाम को लेने पे अड़ी हुई है। और लिहाजा सक्षमता का जो फॉर्म है वो 26 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो चुका आवेदन भरना, और 4 मई लास्ट डेट है। इसलिए बिना समय गवाए फॉर्म भरिए ताकि आपको हर हाल में इस परीक्षा में सफल होकर आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा लीजिए, राजकनी बनिए, ताकि आपको सरकार की नज़रों में सम्मान मिले और समाज में भी आपको सम्मान मिले। क्योंकि ऐसे में आपके सर्टिफिकेट पे बहुत ही पैनी नज़र है, हम ये कह लें साफ साफ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की और शिक्षा विभाग की, कि कहीं ये फर्जी शिक्षक तो नहीं जो फॉर्म भरने से इतरा रहे हैं, कतरा रहे हैं और बार बार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, या फिर संगठन से बहिष्कार करवा रहे हैं, क्या माजरा। इन सब को लेकर बहुत बड़ी जो है एक मुद्दा बन चुका है शिक्षा विभाग के अंदर कि फॉर्म आखिर क्यों नहीं भर रहे हैं। अगर है जेन्युइन तो फॉर्म भरे, नहीं तो आप पे आपकी डिग्री के ऊपर शक होना लाजमी शिक्षा विभाग को होगा। आगे आप देखेंगे फॉर्म नहीं भरने वाले शिक्षकों को अनुशासनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने ही ज़िले में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से डेप्टेशन किया जाएगा अन्य विद्यालयों में। यानी कि ये बात सही है कि जो शिक्षक फॉर्म भरे अथवा नहीं भरे उनको सेम स्कूल में रहने नहीं दिया जाएगा, उनका डिप्टेशन, उनका ट्रांसफ़र, उनका तबादला किसी अन्य जगह किया जाएगा और नई जगह किया जाएगा, ताकि वो अपने नए विद्यालय में ना रह सके। ऐसी पूरी प्लानिंग है और ये सारी प्लानिंग जो है इस साल में आप देखेंगे तो मैं मानता हूँ अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी शिक्षक का ट्रांसफ़र होगा और उनको एक जगह से दूसरी जगह अपने ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग दी जा सकती है। ऐसी कुछ अपडेट सचिवालय से निकल के सामने आ रही है, क्योंकि विभाग को लगता है कि शिक्षक एक स्कूल में बहुत लंबे समय से जमे हुए हैं, जिससे कि वो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, नेतागिरी करते हैं, और ये बात उनको कई कंप्लेंट शिकायत मिल रही है, ग्रामीणों से फीडबैक मिल रहा है, अन्य लोगों से, किसी के समय से स्कूल नहीं आते, आते तो पढ़ाते नहीं हैं। तो इस वजह से स्कूल जो है उनका तबादला किया जाएगा, जो सक्षमता का फॉर्म नहीं भी भरेंगे 3 बार के बाद, और उनका डिप्टेशन या उनका ट्रांसफ़र जिले के अंदर कहीं भी किया जा सकता है प्रशासनिक अनुशासनिक दृष्टिकोण से। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म ज़रूर भरें, ताकि आपको तो तबादला होना ही है, तो बेहतर है हम परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा लेकर ही कहीं जाएं, तो इससे हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी समाज में, सरकार में और ख़ुद के अंदर भी। तो इसलिए आप फॉर्म ज़रूर भरें, यानी कि जो फॉर्म नहीं भरें उनका ट्रांसफ़र होना तय है। आगे आप देखते हैं HM की नियुक्ति और पोस्टिंग अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी, यानी कि HM की नियुक्ति और पोस्टिंग जो UPSC से चल रही प्रधान शिक्षक की वो अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी, यानी अगस्त तक, अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक उनको स्कूल में पदस्थापन कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। एक भी प्राथमिक विद्यालय में पुराने HM नहीं रह पाएंगे, यानी कि एक भी जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर नियोजित शिक्षक प्रभार में है या पुराने HM हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो प्रभार में नियोजित शिक्षक HM के पद पर उनको वहाँ से हटाकर UPSC से नियुक्त HM को वहाँ पे पदस्थापित किया जाएगा। इसलिए एक भी पुराने HM अब नहीं रह पाएंगे प्राइमरी स्कूल में, सब नए HM वहाँ पे आएंगे और इससे स्कूल की व्यवस्था में सुधार होगा, ऐसा मानना है शिक्षा विभाग का। इसलिए इस बात को आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो HM की पोस्टिंग है वो बहुत जल्द होने जा रही है, यानी अगस्त लास्ट तक पोस्टिंग हो जाएगी और एक भी पुराने शिक्षक
प्रभारी शिक्षक HM प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर नहीं रह पाएंगे। और इसके साथ ही जो आपके TRE 3 का परीक्षा हुई जून में ली जा रही है, और उनकी भी पोस्टिंग जो है मैं मानता हूँ कि इस साल तो होना तय है, तो सितंबर अक्टूबर तक उनकी पोस्टिंग करा दी जाएगी, उससे पहले भी हो सकता है। अब देखना बात है कि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कब तक आता है TRE 3 का लेकर, और TRE 4 भी इस साल आएगी ये बात भी तय है, क्योंकि TRE 4 का भी आना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए समय बिना बर्बाद किए आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि TRE 3 से लेकर TRE 4 में अपना एक सीट आप कन्फर्म कर लें, और इसके बाद आप जो है इस परीक्षा में बैठ के एक नौकरी ले सकें। आगे बात करते हैं सक्षमता के बाद काउंसलिंग में जो होगी, अब एक राउंड काउंसलिंग होना, आप सवाल ही काउंसलिंग कब होगी तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग जो आपकी है वो जून में होगी चुनाव के बाद, और काउंसलिंग में मेन फोकस रहेगा BEd सर्टिफिकेट पे, DEd सर्टिफिकेट पे, और सबसे ज़्यादा TET सर्टिफिकेट पे, यानी सबसे ज़्यादा TET के सर्टिफिकेट पे ध्यान रहेगा, कि क्योंकि बहुत से शिक्षक का TET का रोल नंबर सीक्वेंस सेम है, एक TET पे कई शिक्षक बहाल हैं, इसलिए शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है जो TET पे बहाल शिक्षक हैं उनको विशेष तौर पर देखा जाए, उनका TET जो है वो जेन्युइन है, बिहार बोर्ड से निर्गत है, CTET यानी CBSE निर्गत है, या उस TET पे कई अन्य शिक्षक काम तो नहीं कर रहे, इसलिए इन पर विशेष नज़र रहेगी काउंसलिंग के अंदर, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, और इसलिए इन सब में बहुत ही गौर किया जाएगा। सेकंड बात, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी देखा जा सकता है, कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने पढ़ा है वो कितना सही कितना क्या है। खैर ये सेकेंडरी मैटर, इतना सबसे मेन आपका TET का सर्टिफिकेट यहाँ पर देखा जाएगा कि इस TET पर कितने शिक्षक जेन्युइन है या और भी बहाल, क्योंकि ऐसा एक डिटेल सामने आपका सक्षमता 1 में आया था कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बहुत से शिक्षक के थे जिन्होंने कि एक ही TET पे नौकरी ली थी, तो इसलिए इन सब पे पूरा फोकस रहेगा। तो इसलिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जो जो आपने ऑनलाइन आवेदन में दिए थे, आपका मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आपका BEd DEd का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, TET का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और अगर आप आरक्षण कोटि से तो आरक्षण जाति आय प्रमाण पत्र, EWS से तो उसका सर्टिफिकेट, का सर्टिफिकेट, आवासी, ये सभी चीज़ आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाला आपका DPO का आपका फॉर्म पे जो हुआ था वो वाला, एडमिट कार्ड का जेरोक्स कॉपी जो आपने सक्षमता वाला आपने कराया होगा, इसके अलावा ये सब चीज़ आपको, आधार कार्ड, ये सब चीज़ आपको देना, वो फ़ोटो जो आपने कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिया था, वो सब फ़ोटो आपको अप टू डेट रखनी है, ताकि काउंसलिंग में कहीं कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्द होने जा रही है, क्योंकि जून में काउंसलिंग होगी, तो हो सकता है मुझे कि कुछ दिनों में आपको शेड्यूल भी देखने को मिल सकता है, अगले महीने आपको शेड्यूल देखने को मिल सकता है काउंसलिंग का, कब कैसे काउंसलिंग होगी और कहाँ कैसे इसका प्लान किया जा रहा है। तो मेन बात यहाँ पर यही है अपडेट, कि जो 3 बार फॉर्म नहीं भरेंगे सक्षमता पे, उनको फर्जी घोषित सरकार इस वजह से देख सकती है कि उनकी डिग्री सही है, सर्टिफिकेट सही है, नहीं है, फॉर्म क्यों नहीं भरें। सेकंड, फॉर्म नहीं भरने वाले का भी, एग्ज़ाम नहीं देने वाले का भी ट्रांसफ़र होना तय है, और HM की पोस्टिंग अगस्त तक हो जाएगी, और नए स्कूलों में नए HM आएंगे, पुराने एक भी नहीं रहेंगे, और सर्टिफिकेट जो TET का उसमें विशेष जाँच से उनकी जाँच की जाएगी, ताकि एक भी शिक्षक इसमें फर्जी ना रहे। और ये सारी अपडेट्स, सच्ची वाली अपडेट्स जो मैंने आपको बताई है, और अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।